मैं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। माननीय न्यायालय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सच की इस लड़ाई में हम लोगों की जीत होगी। बाकी न्यायालय में क्या हुआ वो वकील साहब विस्तार से बताएंगे। सर देखिए ऐसा है, पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। ये सरकार जिन राज्यों को जिन देशों को पेट्रोल डीजल सप्लाई करती है वहाँ तेल का दाम सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, भूटान में सस्ता है, चीन में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है, भारत में महंगा है, 30-30, 40-40 रुपए महंगा है। तो टैक्स के बोझ के नीचे हिंदुस्तान की जनता को दबाने का प्रयास ये सरकार कर रही है, नंबर एक। दूसरा, जिस तरह से किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता है, हिटलरशाही है, तानाशाहीपूर्ण रवैया है, वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। हिंदुस्तान के किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठियों से पीटना, एनआईए की जांच, जितने तरीके से अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं पंजाब की धरती से लेकर, आज उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में यह आंदोलन किसानों का विस्तार ले रहा है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसान भाइयों के आंदोलन के साथ है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, इंटरनेट का इंतजाम, जो कुछ भी किसानों के लिए बन सकता था वो हमने किया। 9 स्टेडियम हमसे जेल बनाने के लिए मांगे जा रहे थे, हमने नहीं दिया। तो हम किसानों के साथ, देश के अन्नदाताओं के साथ पहले दिन से खड़े थे। आपको याद होगा मैंने माइक भी तोड़ा था पार्लियामेंट के अंदर, उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई। मैं तो कहता हूँ मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया। जिन लोगों ने किसानों की हड्डियां तोड़ी उनको भी निलंबित करना चाहिए। लगता है सरकार कानून रद्द करेगी, लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए किसान खेत रह गए वो सरकारी रहेंगे, बाकी सारा प्राइवेट कर देते हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी अदम गोंडवी की कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। हिंदुस्तान का बजट हिंदुस्तान की नीलामी का बजट है, जिसमें रेल बेची जा रही है, सेल बेचा जा रहा है, कोल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जिस संपत्ति को अपनी परिश्रम और मेहनत से बनाया उसको एक कपूत सरकार, क्योंकि सपूत वो होता है जो बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाता है, कपूत वो होता है जो बाप दादा की संपत्तियों को बेचता है। तो एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है जो देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री साहब ये भी कह रहे हैं कि व्यापार करना साडा काम नहीं है, असी लोगों दी जिहड़ा लाभ वास्ते बैठे हैं व्यापार करना साडा काम नहीं है। तो उनका काम क्या है? उनका काम अडानी की गुलामी है, उनका काम पूंजीपतियों की गुलामी है, उनका काम जनता से सिर्फ वोट लेना है, जनता से सिर्फ टैक्स लेना है, किसानों पर लाठियां बरसानी है, उन पे NIA की जांच करानी है। उनका काम है क्या? वो किस लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अगर उनका काम कुछ है ही नहीं, उनका काम सिर्फ वोट लेना और नोट लेना है, तो मुझे लगता है कि उनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक उन्होंने ये भी कहा है कि 100 जायदाद ऐसी पड़ी है जो बेकार पड़ी है वो उसको सराज क्या आ गए, हिम्मत जी आ गए। ऐसा है, BPCL महारत्ना कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी, कॉनकॉर मुनाफे की कंपनी, हिंदुस्तान के मुनाफे की कंपनियों को आप बेच रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप कह रहे हैं 100 से ज़्यादा संपत्तियां हम नीलाम करेंगे और 150 से ज़्यादा नीलाम करेंगे। तो मैंने आपको जैसा कहा कि ये सरकार हिंदुस्तान को बेचने का बजट लेके आई है, इसकी कोई दृष्टि नहीं है,
कोई आर्थिक सोच नहीं है, देश की तरक्की के प्रति कोई इनकी, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान जाति धर्म करना है और वोट लेके जनता को आपस में लड़ाकर चंद पूंजीपतियों का फायदा करना है। आज सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ते सरदार महेश इंद्र सिंह गरेवाल दोनों विटनेसेस हाजिर सन। आज लास्ट मौका सी क्रॉस एग्जामिनेशन करन दा, इन्होंने आज फिर कोई ना कोई बहाना लभ्या टू डिरेल द केस और वो आज जज साहब नहीं मने। एक फोटोकॉपी पुट की जिदी एविडेंशरी वैल्यू कुछ भी नहीं और वो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट से पुट नहीं करन दिता गया और उन्होंने लिबर्टी दी गई कि जे तुम चाहते हो तो डिफेंस चले आयो। सो द कोर्ट वॉज रियली रियली फेयर, उन्होंने कहा जी सानू एक हफ्ता दे दो चैलेंज करना। तीन मौके दिते, तीन बार अज कोर्ट का ऑर्डर आया कि मैं तुहानू वॉर्न कर रहा कि तुहाडी क्रॉस एग्जामीनेशन निल हो जाएगी। जो कुछ सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने फिर लिखिया और कानून से उच्च दायर कराया वो एविडेंस पढ़िया जाएगा, तुहानू क्रॉस एग्जामीनेशन मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने खुद अज किया कि साड़ी क्रॉस एग्जामीनेशन निल कर दियो, सानू जो कुछ पूछना सी नहीं पूछना। इहदा मतलब ये कि जो कुछ सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने अज कोर्ट च किया वो उन्होंने आज खुद उन्होंने सच मान लिया, ठीक है। और जी स्टेटमेंट रिलाई कर रहे थे उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं और हाई कोर्ट ने इन सिमिलर केस वो सारी जी स्टेटमेंट ने डिस्कार्ड कर दी। नील हो चुका जी बाय ऑर्डर और तीन बार अपॉर्चुनिटी दे के तीन बार वार्निंग दे देखो एक फिल्म वेखी होनी अज ओही फिल्म का डायलॉग ये बंदे ते ढुकदा आप वाले लीडर ते भाग संजय भाग भजन नहीं दिंदा तैनू रब तो डर के परमात्मा च सच्चाई च विश्वास करदिया परमात्मा ते अटुट विश्वास होंदिया मैं संगत च खलो के गल कही सी कि सच की जित हो। तुसी हैरानगी है कि मैं ये केस जिदे च संजय सिंह मुजलिम ने अक्यूज्ड ने वह बड़ी रौला थोड़े अगे पाते वड्डा वड्डा बाहर निकल के अंदर जाके नहीं बाहर कि मजीठिए ने ये करता मजीठिए ने वो करता। तो मैं इन्हां नूं एक बारी बोलिया मैं भरावा जो बाहर बोलता अंदर भी बोल, चार साल लग गए जी अज 16 तो 21 आ गई 5 साल बल्कि 5 साल च कोर्ट तो भज रहे हैं। हाई कोर्ट गए इन्हां दी प्ली डिसमिस होई, सुप्रीम कोर्ट गए इन्हां दी प्ली डिसमिस होई, अज फिर आए। देखो इन्हां दा समां सी क्रॉस क्वेश्चनिंग दा, अज फिर कहिंदे सी हाई कोर्ट जाणा। भरावा थोड़ी जिहड़ी और कोर्ट ने जज साहब ने किन्ने मौके देण तों बाद भी थोड़े कोल जो है तुसीं कन्फ्रंट करो। भज गए फिर अज फिर भज गए नील, इन्होंने कहा कि सानू हाई कोर्ट जाना है। वो वकील साहब टेक्निकल टर्म से तुहानू दस देंदे है, मेरा कहण दा भाव है केजरीवाल नू पढ़ने पाता होना पैना, पुट्ठा माफ़ी मंगनी पई, इन्हां दे सज्जन नू मंगनी पई। अज मैं थोनू दसदा सच्चे पातशाह तो डर के गुरु च विश्वास रखदे आ गल कहिना, डर के कहिना कि जित सच्चाई दी होगी ये अंदर जाऊगा, ये बच नहीं सकता जे गलत गल्ला करूगा। किसे दे खिलाफ किसे दी इज्जत दे खिलाफ डेफेमेटरी डेरोगेटरी गल्ला करनिया और फिर जे थोड़ी लत्तां च जान है हिम्मत है अंदर आके भी करो ना, बाहर थोड़े सामने करनी दा कोई मतलब नहीं, अंदर आके भज जांदे। मैं थोनू बेनती करा जदों इन्हों का बादशाह सुट लिया इन्हों तो मैं पछाणता ही नहीं, मैंने तो जो सामने खलो जाए मैं पता नहीं होना ये संजय है कि मंजे है, ये धनंजय है कि की है। इसलिए मेरे वीरों यह जे बंदे की बुक्कत कोई नहीं, मगर मैं तो उस जेनू इनू कला कि इस तरह किसी पंजाबी दे वैर पएगा जे समझेगा कि किसी पंजाबी इस तरह बेइज्जत करके तुम लंघ जाओगे। पंजाबी सत्कार भी बड़ा करता है तो फिर जे ना ना हटे
फिर अकल भी देना चाहूँगा। और मैं सच्चे पातशाह अगे फिर झुक के गुरु साहब का वो टासरा लेंदा होया फिर थोनू कहना संजय भाग मत, अब सामने आ नहीं तो भजन नहीं दूंगा, घेर के लियाऊ कढ़ू उस राह तो जिस राह तो तेरे आके नू कढ़िया ओदे पला ओदे टुकड़िया ते पलदे ना लोग। इसलिए मैनू कोई फिक्र नहीं, गुरु की बख्शिश है और कोर्ट कोर्ट ने जो वकील साहब थोनू दस देंगे कि ये आपकी लीगल गल सारी थोनू दस देंगे कि अज फिर भजे इतो। और एक मैं होर गल करा, एक जिहड़ा उत्थे वकील एक वकील साहब उन्होंने उन्हों का नाम है जी गोलू जहा जरा हिम्मत शेर गिल, उन्हें आही गल मेरे खिलाफ मजीठे कीतिया सी। मैं उन्हें पूछया बब्बू गोशे जी नू तेरी जमानत जब्त नहीं हुई उत्थे, एवें फजूल च लोगों का थोड़ा मेरा टाइम बर्बाद करना लोगों मूर्ख बना, थोड़ी जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई, फिर चीका मार उठा। और मैनू बड़ा अफसोस होया कि जज साहब न इस तरह चिल्ला चिल्ला के पै रहे थे जिवें जज साहब न पता नहीं की डरा देना, मगर मैं ये गल जी कोर्ट की मर्यादा के गरीबा ठीक रिस्पैक्टफुली अपनी गल रखो और वजन नाल जोरदार तरीके।